नमस्ते सभी को। देखिए, सबसे पहले मैं अपने जो हमारे मेंटर्स हैं, शर्मिला दीदी, कुमार भैया, इवन जो मेरे को एक्सप्लोरर्स हैं, उन सबका मैं धन्यवाद करना चाहूँगी, क्योंकि कंटेंट के प्रति मेरा कोई क्वेश्चन नहीं बनता था। मतलब कभी दिमाग में आता ही नहीं था कि ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं, कि कंटेंट ही इतना वाव वाला था। और जब क्वेश्चन पूछते थे और उनके जवाब कुमार भैया देते थे, तो मैं हैरान हो जाती थी। अच्छा, ये क्वेश्चन भी हो सकता है, और कुमार भैया का जवाब भी इतना बढ़िया होता था कि मैं हैरान ही हो जाती थी। और कभी दिमाग में आता था कि काश मैं भी एक ऐसी, क्योंकि मैं स्कूल में काम करती हूँ, मैं 12th की क्लास टीचर हूँ, और 12th के बच्चों के साथ मेरा इंटरेक्शन बहुत ज़्यादा होता है। तो मुझे लगता था कि मैं भी अपना कंटेंट जो भी दूँ, वो इन मेंटर्स की तरह दे सकूं। इवन मतलब कभी कभी कुमार भैया का धीरे से प्रशांत भैया को कह देना कि आप सुनते नहीं हैं, ध्यान से सुनिए, वो बहुत अच्छा लगता था। वो अपनी बात भी कह देते थे और बुरा भी नहीं लगता था। ये मैं कभी नहीं कर पाई हूँ, और ये मैंने सीखा है उनसे, और धीरे धीरे करने की कोशिश कर रही हूँ। तो मैं अपनी जर्नी के बारे में, मतलब मैं वैसे अम्बाला से बिलोंग करती हूँ, लेकिन शादी के बाद दिल्ली आ गई, और मेरे हस्बैंड फार्मेसी कॉलेज में प्रोफेसर हैं, मेरी दो बेटियां हैं, और मेरी मम्मी पापा अब नहीं हैं उस दुनिया में, और मेरी मदर इन लॉ की ये जनवरी में डेथ हुई, हमारी जॉइंट फैमिली है। मेरी ब्रदर इन लॉ हैं हमारे साथ, और हम चारों लोग। तो UHV के साथ मेरा जुड़ना अभी मार्च में हुआ, बहुत छोटी सी जर्नी है अभी। मुझे मैं सबका जैसे सुनती हूँ, कोई 2011-12 मतलब बहुत कम है, और इसीलिए शायद मेरी समझ भी कम होगी, तो कुमार भैया से माफी चाहूंगी अगर किसी प्रपोजल को गलत समझा हो, तो सबसे माफी चाहूंगी। तो UHV में एक्चुअली मार्च में मेरी फ्रेंड ने मुझे रात को एक दिन इस बारे में बताया, और वो जब कंटेंट के बारे में बता रही थी, तो इतना मतलब वाव वाला कंटेंट मुझे लगा कि उस रात में सो नहीं पा। और अगले दिन टीचर्स का सेमिनार था, सॉरी 5 दिन का वर्कशॉप था सोम भैया के साथ त्यागराज स्टेडियम में, तो मेरा नाम लिस्ट पे नहीं था, और इसलिए मुझे जाना अलाउड भी नहीं था, लेकिन मैं गई क्योंकि मेरी फ्रेंड एक दूसरे स्कूल की HOS थी, तो उन्होंने कहा कि डायरेक्टर सर जो है वो चाहते हैं कि पूरा स्टाफ करे, सब करें, तो तुम्हें कोई नहीं रोकेगा, तुम जा सकती हो। तो मैं गई, छुट्टी लेकर जाना पड़ा मुझे, लेकिन मैं गई क्योंकि वो कंटेंट ही ऐसा था, मैं इससे रुका ही नहीं गया। बहुत सारी चीजें उनके प्रपोजल क्लिक कर गए, जैसे स्वीकृति ही सुख है, और जितनी गहरी आपकी स्वीकृति होगी उतना बड़ा सुख, और मैं अपने सुख दुख के लिए खुद जिम्मेदार हूँ, अपना रिमोट कंट्रोल अपने हाथ में रखिए, ये चीजें एकदम से क्लिक हो गई। बहुत ही मतलब डिफरेंट लगा कि ऐसा तो कभी किसी ने नहीं कहा। और फिर उसके बाद इस ऑनलाइन सेशन का पता चला, तो ये भी मेरी फ्रेंड ने ही मुझे बताया, और उन्होंने ही मेरे को लिंक भेजा, तो इसमें जुड़ने के बाद पता चला कि इसमें वही लोग हैं जिन्होंने USV ट्यूब किया है, लेकिन मैंने नहीं किया है। लेकिन फिर भी कंटेंट जो है हमारे मेंटर्स ने, कुमार भैया ने इतने अच्छे से समझाया कि मुझे लगता है कि मुझे समझ में आया है, बाकी कुमार भैया ही बात में बताएंगे। और अपनी शिफ्ट की बात करूं, तो पहले जो है ना, ह्यूमन बीइंग्स को मैं सिर्फ ऐसे ही देखती थी कि एक बड़ी सी अच्छी सी रचना भगवान ने बनाई है, उसमें अलग अलग कैरेक्टर्स हैं, उसमें ह्यूमन बीइंग जो है एक कैरेक्टर है, और अपना रिलेशनशिप मुझे सिर्फ अच्छे लोगों के साथ दिखता था। मुझे लगता था मैं बहुत अच्छी हूँ, और अच्छे लोगों के साथ ही जुड़ पाती थी, उन्हीं से बात कर पाती थी, जिन लोगों को मैं देखती थी कि कुछ अन्याय कर रहे हैं, एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, और किसी का बुरा कर रहे हैं, तो वो मुझे जैसे लगता है ना कि फिर कुछ संबंध दिखता ही नहीं था उनके साथ। लेकिन अब थोड़ा सा लेकिन और ये है कि जैसे स्कूल में पियन है, गार्ड है, स्टूडेंट्स, इन तीनों के साथ तो मेरा रिलेशनशिप बहुत अच्छा रहा, शुरू से ही रहा। लेकिन स्टाफ के जो डोमिनेटिंग लोग थे, जैसे प्रिंसिपल के चारों तीन चार लोग होते हैं जो उन्हें सजेस्ट करते रहते हैं कि ये करिए वो करिए, उनको मैंने कभी अच्छी नज़र से नहीं देखा। नहीं, मेरे मन में गलत भाव, अपोजिशन का भाव उनको देखते ही आ जाता था,
लेकिन अब मैं क्योंकि ऑफिस में ही बैठती हूँ, हमारा स्कूल शिफ्ट हुआ था, हमारे पास रूम्स की कमी है, तो स्टाफ रूम कम ऑफिस है और मैं ऑफिस में बैठती हूँ, तो मैं देख पाती हूँ कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है। मतलब उनकी अपनी अपनी कॉम्पिटेंस है, अपने अपने विचार है चीजों को लेकर। तो अब जिस बात को मैं पहले गुस्से से कहती थी उनसे कि नहीं ऐसे नहीं होना चाहिए, अब मैं आराम से कह सकती हूँ, मतलब कह पाती हूँ अपने भाव को देखकर, अपने भाव को कंट्रोल में रख के कह पाती हूँ। तो ये थोड़ा सा शिफ्ट मुझे दिखता है, मतलब स्टाफ में अब मेरी किसी के लिए भी कोई अपोजिशन नहीं, मैं खुश रहती हूँ और कैपेसिटी बढ़ी है काम करने की। कि वो जैसे पहले बहुत सारे काम मुझे एकदम से दे दिए जाते थे तो मैं इरिटेट होती थी, अब नहीं होती। अब मैं अगर मुझे लगता भी है कि मैं काम नहीं कर पा रही हूँ, तो मैं आराम से उनको कह देती हूँ कि ये आप उनको दे दीजिए, और मेरे पास ऑलरेडी ये करना है ये करना है, ऐसे सीरियल ऑर्डर में बता देती हूँ। मैं आराम से कह पाती हूँ और वो सुनते भी हैं, और तो मेरे हिसाब से वो चेंजेस कर भी देते हैं। और नेचर को लेकर मतलब ये जो 4 ऑर्डर्स हैं ये ऐसे नहीं देख पाती थी मैं, 4 ऑर्डर्स के बारे में जाना, उनकी इननेटनेस, उनका नेचुरल करेक्टरिस्टिक्स, इनहेरिटेंस, ये सारी चीजें मेरे लिए नई जानकारी थी, लेकिन बिल्कुल स्वीकार कर पाती थी कि हाँ ऐसे ही है। और पौधों के साथ तो संबंध ऑलरेडी, मतलब ये जो बायो ऑर्डर है इसके साथ संबंध सब अच्छा था। मेरी मदन का को बहुत पसंद है पौधे, तो मैंने पिछले साल बहुत सारे पौधे खरीदे थे, लेकिन क्योंकि वो पिछले साल पूरा बीमार रही, बेड रिडन थी, जनवरी में उनकी डेथ हो गई, तो मैं उनको देख नहीं पाई, वो झुलस गए थे धूप में, लेकिन काफी सारे गमले खाली हो गए थे। लेकिन इस जुलाई में मेरे सारे गमलों में पौधे हैं, और जो मेरे बच्चे हैं उनको भी पता है दोनों को कि हमें मम्मी नहीं पानी दे पाई तो हमें देना है, क्या करना है, ये सब वो कर लेते हैं, मिलके कर लेते हैं, कहना नहीं पड़ता। और सारी चीजों को इस्तेमाल करते हैं हम, जैसे किचन में चाय पत्ती है तो उसको धो के सुखा लेते हैं, खाद के रूप में इस्तेमाल करते हैं, चावल दाल उनको धोने से जो पानी होता है वो पौधों में जाएगा 100%, ये सबको पता है। सब्जियों के छिलके या तो गाय को डालते हैं या फिर उसके खाद बनाते हैं, टंकी का पानी ओवरफ्लो जब होता है तो सड़क पर नहीं जाता, उसको इकट्ठा करते हैं तो हम कपड़े धोने में इस्तेमाल करते हैं या फिर सफाई में इस्तेमाल हो जाता है, इसी का पानी भी वेस्ट नहीं जाता। दाल सब्जी जो भी बचती है बनी हुई सब्जी, तो या तो हम मेड को दे देते हैं, हमें लगता है कि ज्यादा है तो हम मेड को दे देते हैं, या फिर वो अगले दिन परांठे दाल खाते में भूल के, मतलब कुछ भी वेस्ट नहीं जाता हमारे घर में। और बाहर जाते हैं तो सबको पता है कि बैग लेकर जाना, खरीदारी करनी है तो बैग लेकर जाना है। इवन मेरा सब्जी वाले मतलब एक दो ही हैं जो जिनसे मैं लेती हूँ, उनको पता है कि अगर पॉलीथिन ये लेंगे, और कई बार वो जबरदस्ती दे देते हैं कि नहीं आपका थैला गंदा हो जाएगा, तो उन्हें वो पॉलीथिन नेक्स्ट मीटिंग में मैं वापस कर देती हूँ कि आप उसको रीयूज करें। और आगे एग्जिस्टेंस की बात करें तो एग्जिस्टेंस बहुत अमेजिंग लगती थी बचपन से ही, जो छत पे मैं घूमती थी मुझे बहुत अच्छा लगता था, ये सूरज शाम के आ रहे, ये कैसा सिस्टम है, कैसे सूरज निकलता है, कैसे ये शाम को डूब जाता है, बहुत हैरानी होती थी कि मतलब, लेकिन समझ नहीं आता था कैसे चल रहा है, मतलब ये नहीं समझ में आता था कि कोई व्यवस्था है, कोई सिस्टम है, कुछ रूल के अकॉर्डिंग काम करेंगे। मुझे यूएचबी के बाद ही पता चला कि ये जो एग्जिस्टेंस है ये को एग्जिस्टेंस है, इसमें कोई यूनिट्स है, स्पेस है, और स्पेस को मैं अनलिमिटेड देख पाती हूँ, स्पेस में कोई एक्टिविटी नहीं है उनको दिखता है, और यूनिट्स जो हैं वो साइज में लिमिटेड हैं, एक्टिव हैं, और सेल्फ एनर्जाइज, सबसे बड़ी बात है सेल्फ एनर्जाइज, ये वर्ड अमेजिंग लगा। अब तो कैसे अपने आप एनर्जाइज हैं, और जैसे मतलब खुद भी हम देखते हैं कि हम बीमार होते हैं तो सोचते रहते हैं, अपने आप एनर्जी है हमारे में सोचने की, विचार जो है हमारे, हम थकते नहीं है विचारों से, लेकिन कंडीशन वही है कि नेगेटिव विचार नहीं होने चाहिए, नेगेटिव विचारों से भी हम जाते हैं। मतलब ऐसे एग्जिस्टेंस को देख के ये लगा कि 3 चीजें जानने वाली हैं, यूनिट्स और स्पेस और इनकी और इनकी को एग्जिस्टेंस आई थिंक, और सारे यूनिट जो है ना अपना एक पार्ट प्ले कर रहे हैं, सबका एक रोल है, सब बहुत ही डेफिनेट रोल प्ले कर रहे हैं। एक इंसान है या नहीं हूँ जो मेरा रोल डेफिनेट नहीं है, ये मुझे समझ में आता है। और
अगर ह्यूमन कंडक्ट की बात करूं तो मतलब अब मेरे को ये दिखता है कि सेल्फ को जो है वो सेंट्रल है, बॉडी जो एक इंस्ट्रूमेंट के रूप में काम करती है। मैं कुछ भी इंस्ट्रक्शन दूं उस हिसाब से बॉडी चलती है, बॉडी अपने आप निर्णय नहीं लेती। और मुझे लगता है कि मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ अपनी हैप्पीनेस के लिए। ये बहुत बड़ा चेंज है, मतलब टर्निंग पॉइंट था। मुझे लगता था कि ये लोग मेरी अनहैप्पीनेस के लिए जिम्मेदार है। ससुराल वालों को मैं बहुत ब्लेम करती थी कि ये जो है समझते नहीं है। और मतलब ट्रिगरिंग पॉइंट थे मेरे, ये सारी सिचुएशंस ट्रिगरिंग पॉइंट थी उनके लिए, उनको ब्लेम करती थी। लेकिन अब वो ब्लेमिंग पार्ट जो है कम हो गया है, कंप्लेनिंग पार्ट कम हो गया है, खत्म नहीं हुआ ये मैं कह सकती, लेकिन बहुत कम हो गया है। मोस्ट ऑफ द टाइम्स मैं हार्मनी में रहती हूँ, जैसे कुमार भैया कहते हैं संगीत में रहती हूँ। संगीत सच में फील होता है कि हाँ संगीत में हूँ मोस्ट ऑफ द टाइम्स, मोस्ट ऑफ द टाइम्स। और एक्सरसाइज 1 एंड 2, इट्स ये तो बहुत ही लाइफ बदल दी मेरी एक्सरसाइज करने के लिए। अपनी इमेजिनेशन हर टाइम देखना मेरी आदत बन गई। 24 मतलब सोते हुए तो नहीं देख सकते खैर, लेकिन सोने से पहले तक मेरे मन में क्या फीलिंग्स चल रही है मुझे दिखती है। कई बार तो ऐसे होता है कि मैं किसी से बात कर रही हूँ और बात करते करते मैं देखती हूँ कि मेरे में ऑपोजिशन आ गया है, और मैं साथ साथ जैसे ही वो दिखता है ऑपोजिशन एकदम से चेंज आता है, अपने आप आता है। मुझे सोचना नहीं पड़ता कि मुझे संबंध के बारे से सोचना चाहिए। मतलब एक्सरसाइज 1 और 2 की बात करो तो मैं ऐसे स्टेप्स को अलग अलग नहीं देख पाती, एकदम से जैसे हो जाते हैं एक एक जब एक दूसरे से जुड़ा हुए स्टेप्स को देख पाती मैं इनको। और मतलब ये कि नेचुरल एक्सेप्टेंस जो है वो तो एक मैजिकल फॉर्मूला है। जैसे मैं महसूस करती हूँ कि मैं अनकंफर्टेबल हूँ, मैं फटाफट फीलिंग देखती हूँ कि क्या चल रहा है, मैं क्या कर रही हूँ, मेरे को अनकंफर्टेबल क्यों हूँ, इसका मतलब मैं अपनी नेचुरल एक्सेप्टेंस को रेफर नहीं कर रही हूँ। और उसका क्या क्या किया मैंने गलत, तब कहाँ पे मैंने गड़बड़ की, ये एकदम से दिख जाता है। और फिर वो अपने आप से फिर वो कंट्रोल भी हो जाता है, सेल्फ कंट्रोल जैसे कहते हैं ना, अपने आप ही आ गया है, आ जाता है। मैं कह सकती हूँ हमेशा नहीं, लेकिन जैसे ही फीलिंग दिखती है ना तो, और दिखता है कि अनकंफर्टेबल हूँ, तो दिखने के साथ ही कंट्रोल हो जाता है। और जो ये है एजम्पशंस, एजम्पशंस से लाइफ जी रही थी मैं, ये बहुत मतलब लगता है कि ओहो ये पॉइंट तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि जो नेचुरल एक्सेप्टेंस के संदर्भ में अगर मैं लाइफ जी रही हूँ तो मैं खुश हूँ। और अगर एजम्पशन है किसी तरह, बहुत एजम्पशंस बहुत खतरनाक होती है। जैसे देखिए मैं अभी एक इंसिडेंट शेयर करूंगी, अभी दिल्ली में बहुत बारिश हुई तो मेरा घर पुराना है और लोअर लेवल पे है, तो सड़क का पानी हमारे घर में आ गया बहुत तेज बारिश की वजह से। तो मेरे मतलब उस दिन मैं अपने आप को देख रही थी, ऑब्जर्व कर रही थी कि मैं इरिटेट हो रही हूँ कि नहीं हो रही हूँ। इरिटेशन तो हुई कि पानी आ गया। उसके बाद मेरी ये अजम्पशन मुझे दिखी कि हस्बैंड अपने आप समझे कि बच्चे लगे हुए हैं, वाइफ लगी हुई है तो मुझे भी लगना चाहिए। मैंने अज्यूम किया कि उनको ये समझना चाहिए, ये भी दिख गया मुझे। तो मैंने देखा कि गुस्सा आने वाला है, मतलब वही ना कि नेचुरल एक्सेप्टेंस को मैं रेफर नहीं कर रही। तो थोड़ा सा मैंने जब ये दिख गया तो फिर मैंने उनको बुलाया, वो ऊपर चले गए थे फर्स्ट फ्लोर पे कि अपने आप सफाई कर लेंगे। तो मेरी बेटी इरिटेट हो रही थी, उसको देख के मुझे लगा कि अभी इसका जो है बहुत ज्यादा बिगड़ना चाहिए सिचुएशन। तो मैंने फोन करके हस्बैंड को बुलाया कि देखिए पानी है, हम लोग सफाई कर रहे हैं। और अब दोपहर को 1:30 बजे का टाइम था जो पानी है, और सफाई करते करते हमें 3 3:30 हो चुके थे, खत्म होने वाला था काम। तो मैंने कहा हम लोगों ने लंच नहीं किया, आप प्लीज आप खाने का अरेंजमेंट करिए। हमें कड़ी चावल खाने थे उस दिन, साथ में चपाती तो कड़ी तो बनी हुई थी, चावल के लिए मैंने उनको तो बोल दिया। और उन्होंने कभी ऐसा काम नहीं किया कि चटनी से राय जाए बनाने के लिए, कुछ नहीं था। तो उस दिन मैंने देखा कि मैंने फर्स्ट टाइम अपने भाव को कंट्रोल में रखकर उसको रिक्वेस्ट की कि प्लीज आप चावल बनाइए, जब हम खत्म करेंगे तो 5 बज जाएंगे तो हम सबको इकट्ठे बैठ के खाना खा लेंगे। और उन्होंने पहली बार ये था कि उन्होंने आराम से सुना
अच्छा ठीक है मैं करता हूँ। और फिर छोटी वाली बेटी मेरी वो जो है वो चली गई किचन में साथ में उनके बताने के लिए, हालांकि वो भी बना सकती थी लेकिन मैंने उसे मना किया था कि नहीं आज पापा को बना लेना। तो एग्जाम्स मैं बाहर से इंस्ट्रक्शन दे रही थी ऐसे करिए ऐसे करिए और बन गए, बहुत अच्छा लगा। नहीं तो पहले क्या होता था, सिचुएशन ऐसा कुछ होता था जिससे मैं अपना अज्यूम कर लेती थी कि हस्बैंड को ये सब करना ही चाहिए, जैसे गेस्ट आए तो बाहर तो सामान है, ये तो अंडरस्टैंडिंग, ये तो मतलब कॉमन सेंस है कि आपको सामान लाना है, इसमें क्या बात है। और मेरा एकदम से नाराज हो जाती थी मैं, और नाराजगी सिर्फ घंटों तक मिनटों तक नहीं चलती थी, दिनों तक चलती थी। लेकिन अब वो जो है वो मिनटों में आ गई आई कैन से। बाकी मेरे हस्बैंड जब तक मुझे इस चीज का सर्टिफिकेट नहीं देते कि मेरे चेंजेस आ गए तो मैं नहीं मानूंगी, लेकिन मेरी छोटी बेटी कहती है कि मम्मी आपका गुस्सा जो है अब काफी कंट्रोल में है, सिर्फ उसी ने कहा है अभी तक और किसी ने नहीं कहा। तो जब तक सब नहीं नोटिस करते तो मैं नहीं मान सकती। एक्सरसाइज टू जो है वो ऑब्जर्विंग द सेल्फ एंड द बॉडी एंड द वर्ल्ड आउटसाइड, तो दैट वाज अमेजिंग, मतलब बहुत बहुत अच्छा लगा। सेल्फ और बॉडी अलग एंटिटीज है जिनको मैं देख पाती थी पहले से। जैसे 12th में मेरे पास मेडिकल था तो हमें ना सफेद चूहे मिलते थे इंफेक्शन के लिए, प्रैक्टिकल होता था और मेरी हालत खराब हो जाती थी, मैं नहीं देख पाती थी। तो लेकिन फिर भी वहाँ बैठना तो पड़ता था, तो मैं देखती थी कि जो बच्चे प्रैक्टिकल कर रहे हैं तो जैसे उस उनके चूहे के सारे सिस्टम दिख रहे होते थे, तो मुझे लगता था वो कहाँ है जिसको दर्द होता है। अपने बारे में भी मुझे लगता था कि मैं कौन हूँ, मतलब ये जो बोल रहा है ये जो देख रहा है ये कौन है, ये मुझे शुरू से हैरान करता था। मैं पूछती थी लोगों से, मुझे सही जवाब नहीं मिलता था। मैंने बहुत वीडियोस भी देखे इसको लेकर, रमन महर्षि का वीडियो देखा और स्वामी सर्वज्ञानंदा उनके बारे में सुना सब कुछ, लेकिन मुझे क्लियर नहीं हुआ ये कौन है जो देखता है। तो अलग तो दिखता था, सेल्फ और बॉडी अलग दिखते हैं। और ठीक है, एक और चीज मुझे ऐसे लगता था कि बॉडी और सेल्फ कैसे अलग है, जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है तो बॉडी तो बूढ़ी हो रही है, बॉडी में चेंजेस आ रहे हैं, लेकिन सेल्फ को लगता ही नहीं कि उसकी एज बढ़ गई। मुझे लगता ही नहीं कि मैं इतनी बड़ी हो गई, मुझे लगता है वो एज भी तो मतलब जैसे शुरुआत ही हुई है लाइफ की। स्टेप टू एंड थ्री भी बहुत क्लियर है कि मैं बॉडी इंस्ट्रक्शन दे रही हूँ, मैं डिसाइड कर, ये चीज तो मुझे 100% क्लियर है कि एक तो मैं अपनी खुशी के लिए जो भी निर्णय है लाइफ के मैं लेती हूँ, सेल्फ लेता है, ये मुझे बिल्कुल क्लियर है। सेल्फ और बॉडी का डिस्टेंस भी नजर आता है, जैसे मैंने अभी कहा स्टेप 5 बहुत इम्पोर्टेंट लगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट कि सेंसेशन को मीनिंग मैं ही देती हूँ, मैं ही पढ़ती हूँ, और दूसरे का बिहेवियर एक सेंसेशन है, ये मेरे लिए एक नई बात थी। और सेंसेशन उनको एक नया मीनिंग देना, उस सेंसेशन को मीनिंग देने में मेरे संस्कार रोल प्ले करते हैं, ये बहुत एक क्या मतलब एक अजीब बहुत अच्छी चीज थी मेरे लिए जो मुझे समझ में आई आई थिंक कि। और अपने संस्कारों को देखती हूँ कि हर जगह संस्कार ही काम कर, बहुत जगह संस्कार काम कर, और उन संस्कारों को उस सेंसेशन को पढ़ना मीनिंग देना बहुत मेरे ऊपर डिपेंड करता है। ये स्टेप 5 वाला, इसका एक्चुअली एक्सपीरियंस को, एक पास्ट एक्सपीरियंस को शब्द दे पाती हूँ कि मेरी पिछले साल बेड रिडन भी, जैसे मैंने आपको बताया, तो हम तीनों मेरी दोनों बेटियां और मैंने हमारी शिफ्ट में, हम डेयर शिफ्ट में ड्यूटी करते थे, हालांकि मेड हमारी थी केयर गिवर थी, लेकिन फिर भी हमें देखना पड़ता था, नजर रखनी पड़ती थी ताकि उनको बेड शोर ना हो जाए, उनको मेडिसिन खाना प्रॉपर मिल रहा है कि नहीं, खाना दीदी, बनाने का थोड़ा टाइम आपको अब पहले। सम अप करना होगा। जी, समय होने वाला है। ओह सॉरी सॉरी, एक्चुअली ना जी बहुत कुछ है एक्चुअली, लेकिन मैं सम अप कर देती हूँ कि मेरे में क्या चेंजेस आए। मैं स्टेप्स को छोड़ देती हूँ लेकिन मैं अब ये चेंजेस बता देती हूँ कि ये जो फिजिकल फैसिलिटी के लिए मेरा कभी मतलब अट्रैक्शन था नहीं, कमरे की स्कूल के कमरे की छत टिन की थी, बहुत गर्मी हो जाती थी, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, अभी भी नहीं फर्क पड़ता, मैं इसी यूज नहीं करती हूँ। लेकिन अब सबसे बड़ी बात जो ये समझ में आई कि दूसरा वाला जो सामने वाला इंसान है अगर वो गुस्से में है तो इसका मतलब है कि वो तकलीफ में है, उसको हेल्प की जरूरत है। ये बहुत बड़ी बात जो मुझे समझ में आई, इन चार के साथ संबंध इसीलिए अच्छे हो गए हैं कि अब मैं उनको समझ पाती हूँ कि वो अंडर प्रेशर है
और बहुत इंट्रोवर्ट थी मैं, फंक्शंस में नहीं जाना पसंद करती थी, सिर्फ कोई प्रॉब्लम है तो उसके साथ ही संबंध दिखता था, जो घूमते फिरते लोग कुछ कुछ लोगों के साथ संबंध नहीं दिखता था, इनने पहले भी बताया, लेकिन अब देख पाते हो कि सबकी अपनी अपनी जर्नी है। और समरी एंड कमिटमेंट को लेकर ये है कि मेरे मतलब 2-4 घंटे दो ये मैं मॉर्निंग के दोनों सेशन करती हूँ, और दिन में भी वीडियोस चलती रहती हैं, और वॉलंटियरिंग करना चाहती हूँ। मुझे लगता है अभी शायद मेरी कैपेबिलिटी नहीं है, शायद मेरे को एक्चुअली मुझे फॉर्मेट भी नहीं पता है किसने क्या काम करते हैं, लेकिन थोड़ा सा ट्रांसलेशन वर्क मैंने किया है अभी पीछे, और आगे मैं अपने आप को आई थिंक मुझे लगता है कि मैं USBT टीचर बनना चाहूंगी, अपने आप को उसमें देख पाती हूँ। जो की टेक अवे से है मेरे कि खुशी मेरी नहीं है, मुझे अपने आप पे काम करना, दूसरों को चेंज नहीं करना। स्थितियां सिर्फ ट्रिगरिंग पॉइंट है और मुझे उनको क्या मीनिंग देना है ये मेरे ऊपर डिपेंड करता है। जी जी दीदी, अब थोड़ा सा रुकना होगा, काफी समय हो चुका जी, है जी। थैंक यू भैया, मैंने खत्म कर दिया भैया, थैंक यू सो मच दी, थैंक यू सो मच दीदी आपको। दीदी आपकी आवाज नहीं आ रही है। जी दीदी भैया धन्यवाद। जी नहीं, निधि दीदी की आवाज नहीं आ रही है। अच्छा जी, मैं संक्षेप में रख देता हूँ, शेयरिंग अच्छी रही। ममता दीदी से मैं कहूंगा कि दीदी आपका पहला वर्कशॉप कब हुआ है जो आपने जिक्र किया? जी अभी मार्च में, अच्छा अप्रैल में हापुड़ में शेयर किया था और मार्च में त्यागराज से। अच्छा, आपने ऑनलाइन वर्कशॉप किया है कोई अभी, इंट्रोडक्टरी वर्कशॉप? ऑनलाइन तो किया मैंने, रिकॉर्डिंग से सुनी है, ऐसा कुछ ऑनलाइन नहीं। यूएचवी का ऑनलाइन अभी नहीं किया। मेरा रिक्वेस्ट होगा कि आप एक बार उसको सुन लें, है ना, तो थोड़ा सा जैसे अभी हम एक तो बहुत अच्छी बात है कि आपने कंटेंट कम से कम एक दो बार सुना है हापुड़ में और त्यागराज स्टेडियम में, और उसके बाद फिर आप ऑनलाइन वर्कशॉप भी कुछ कर लें तो उससे कंटेंट की और पकड़ बनेगी। तो कुछ चीजें जैसे अभी मुझे लगता है कि हम ओपन रखें, जैसे आपने कहा कि शून्य मुझे क्रिया शून्य के रूप में दिखता है, तो अभी इसको ओपन रखें ना, दिखता है या उसकी सूचना मिली है और मैं विश्लेषण करता हूँ, तो अभी थोड़ा और समय लगाने की जरूरत है, धीरे धीरे और गति बनेगी। मुझे लगता है आप सुबह के सत्र में जुड़ी रहने वाली हैं। जी सुबह का जी, तो उसको और आगे अटेंड करें। जी, और आपका समय की उपलब्धता कितनी रहती है दिन में? जी भैया शाम को तो मेरे पास समय होता है, शाम को ठीक है। तो एक तो आप कुछ ऑनलाइन सेशंस भी कुछ और कर लें, वर्कशॉप्स कर लें, कुछ कंटेंट अभी आपको मिला कुछ और भी मिल पाएगा उसमें, और ये जो वीकली मीटिंग्स हमारी होती हैं, आप किसी रीजन जैसे आप दिल्ली में हैं तो किसी रीजन को आप ज्वाइन कर लें, जो मीटिंग्स होती हैं नॉर्दर्न रीजन की मीटिंग्स होती हैं या नॉर्थ वेस्टर्न रीजन की मीटिंग्स होती हैं, उसको आप ज्वाइन कर लें, तो वीकली मीटिंग के द्वारा भी संपर्क बना रहेगा और सुबह के सत्र में भी आप जुड़ी रहें। कम समय में ही आप में अच्छी एक गति बनी है और आपके व्यवहार में भी परिवर्तन आया, जैसे आपने उदाहरण दिए परिवार को लेकर, एक अच्छी संभावना है, इसको जितना सतत रूप से आगे हम लग के प्रयास करेंगे, अपने ऊपर काम करेंगे, उतनी हमारे स्वयं में भी एक स्थिरता आती जाएगी और हमारे व्यवहार में और भागीदारी में भी गति दिखाई देगी। तो बहुत ही अच्छा, लोगों को ये सारी शुभकामनाएं देता हूँ, बधाई देता हूँ, सभी को नमस्ते।